नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जद्दोजहद में जुटी हुई, लेकिन वायु प्रदूषण के हालात आज भी गंभीर ही। बेकाबू प्रदूषण की समस्या को देखते हुए 6 नवंबर को दिल्ली सरकार ने 4 साल बाद फिर से सम विषम यानी दिल्ली ऑड इवन स्कीम लागू करने की घोषणा की। दिल्ली में ऑड इवन योजना 13 नवंबर 2023 से प्रभावी माने जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को घोषणा की थी कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद के तौर पर शहर में 13 से 20 नवंबर तक सम विषम योजना लागू की जाएगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस नियम को लागू करने से प्रदूषण से निपटने में दीर्घकालिक स्तर पर लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि यह बढ़ते प्रदूषण से केवल कुछ दिनों की राहत दिलाएगी। पर्यावरणविद ज्योति पांडे लवकरे ने पीटीआई भाषा से कहा, हम दिल्ली की जहरीली हवा में मर रहे हैं। पूरे साल प्रदूषण का स्तर ऊंचा रहता है। हकीकत यह है कि दिल्ली में हमने खराब वायु गुणवत्ता को सामान्य बना दिया है। साथ ही इस मसले का अब राजनीतिकरण भी कर दिया गया है। ज्योति पांडे के मुताबिक, जब आपके पास पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन बस ही नहीं है तो आप इस योजना को कैसे लागू कर सकते हैं। हमें कम से कम 15,000 से लेकर 20,000 तक इलेक्ट्रिक बस की जरूरत है, लेकिन हमारे पास कम है। प्रदूषण का समाधान अधिक इलेक्ट्रिक बस तैनात करने, नियमित अंतराल पर बस की उपलब्धता और दिल्ली मेट्रो की तरह स्टॉप पर बसों के आगमन का समय दिखाने वाली डिजिटल समय सारिणी रखने में निहित, ताकि लोग तदनुसार योजना बना सके। पर्यावरणविद भवरीन कंधारी ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए। कंधारी का कहना है कि ऐसे उपायों को एक सप्ताह के लिए लागू करने के बजाय उन्हें पूरे वर्ष लागू किया जाना चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में पाया गया था कि जब जनवरी 2016 में पहली बार यह नियम लागू किया गया था, तब वायु प्रदूषण में केवल 2 से 3% की कमी आई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने सम विषम पंजीकरण संख्या वाली कारों को वैकल्पिक दिनों में चलाने की अनुमति देने वाले फॉर्मूले पर पहली बार 2016 में जनवरी में लागू किया था। उसके बाद इसे उसी वर्ष अप्रैल में लागू किया गया था। इस योजना के तहत आपातकालीन और पुलिस वाहनों, दो पहिया वाहनों, महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली कारों को छूट दी गई थी। वर्ष 2019 में जब यह योजना नवंबर में लागू की गई थी, तो चिकित्सा आपातकालीन वाहनों और वर्दी में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के साथ साथ दो पहिया और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी छूट दी गई थी। इसके अलावा इसमें अति विशिष्ट लोगों, केवल महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहनों को भी छूट दी गई थी। कैसी लगी हमारी स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।